नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। वर्चुअल बैठक में सतर्कता बरतने के साथ ही अस्पतालों में बुनियादी ढांचा बढ़ाने और बच्चों के टीकाकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की कोविड प्रबंधन पर चर्चा। कोरोना की संभावित लहर से निपटने को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर विशेष फोकस रखने को कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाकर की गई 60,940 करोड़ रुपए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई पीएम स्वनिधि योजना की अवधि। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों में रचनात्मकता व सृजनात्मकता बढ़ाने की जरूरत पर दिया बल। पोक्सो एक्ट पर बाल आयोग की कार्यशाला में कहा, अच्छी शिक्षा व परवरिश से वंचित बच्चों के लिए आगे आए समाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरियंट तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सुझावों पर अमल करते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना पहले प्राथमिकता थी और आज भी यही बनी रहनी चाहिए। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि देश को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि कोविड से निपटने में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द
टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड 19 से निपटने के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत भी शामिल हुए। बाद में सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्णतः अनुपालन करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की संभावित लहर के दृष्टिगत अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं और पर्याप्त मैनपावर हो, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट पर विशेष फोकस रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाए, 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में टीकाकरण की गति में और तेजी की आवश्यकता है। उन्होंने टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि हमें सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के साथ कोविड पर नियंत्रण रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाकर 60,940 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही देश के 10 राज्यों में 2,542 टावरों को 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2,426 करोड़ रुपए का अनुमोदन भी किया गया है। 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी पीएनके पर। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। प्रति बैग भी डीएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान के लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है। और ये जो 2G की सुविधा है, इसकी जगह 4G की सुविधा वहां पर मिले तो देश के 10 राज्यों में 2,542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2,426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। वहीं पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना हम लेकर आए थे, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि। इसके माध्यम से देशभर के लाखों वेंडर्स को लाभ मिला। आज निर्णय लिया गया है कि इस योजना को अब बढ़ाकर
दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें सारे ही कोलेट्रल फ्री लोन मिलते हैं और वो अफोर्डेबल भी होते हैं। आपको जानकारी है ही है इसकी कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर लोन लेता है तो मान लीजिए 11% ब्याज बैंक का आपको लगता है, तो 7% के लगभग सब्सिडी भारत सरकार उसके ऊपर देती है, मात्र 4% ब्याज पर ही उसको पैसा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की ओर से पॉक्सो अधिनियम पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया और पॉक्सो वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में रचनात्मकता व सृजनात्मकता बढ़ाने की जरूरत है। जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश नहीं मिलती, उनके लिए समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को भयमुक्त वातावरण मिलेगा तो उनका भविष्य सकारात्मक दिशा में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाल कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। बच्चों के अधिकारों के लिए जो कानून बने हैं उनका भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी विचार व्यक्त किए। हमारे बच्चों को एक पॉजिटिविटी, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए भयमुक्त, तनावमुक्त और हंसमुख, खिलखिलाता हुआ वातावरण मिले, उनको एक स्वस्थ जीवन, पोषण युक्त मानसिक व शारीरिक बचपन जीने का, स्वस्थ विचारों को पल्लवित करने का समुचित वातावरण मिले, विधिक कानूनी अधिकार मिले, इसके लिए कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपने जीवन में एक संकल्प ले रहे हैं कि हमको जो भी बच्चे हमारे संपर्क में आएंगे, ऐसे बच्चे जो जिनको बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिनको बहुत अच्छा पालन पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उन बच्चों को हम अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीमांत जनपद चमोली के दूरदराज क्षेत्रों में ग्रामीणों को अब छोटे छोटे कार्यों के लिए मीलों दूर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, साथ ही उनके समय व पैसे की बचत भी हो रही है। यह संभव हुआ है डिजिटल इंडिया मुहिम से। जिले के 9 विभाग लोगों को कुल 75 सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जन सुविधा केन्द्र खोले गए हैं, जहां लोगों को घर बैठे ही प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा तो मिल ही रही है, साथ ही पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल, राशन कार्ड डिलीवरी, इनकम टैक्स रिटर्न भरने जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। खासकर छात्र युवा इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने से उनके समय व पैसों दोनों की बचत हो रही है। पहले हमको सब काम हाथी से करना पड़ता था, अब ये ऑनलाइन हो गया, सब कुछ कंप्यूटर डिजिटल हो गया है। अब ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, इससे हमको भी बहुत सुविधा हो गई है। अब फॉर्म सब ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ। पहले हम तो आय प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने या कुछ भी हो तहसील में जाते थे, अब हमें एक ही जगह पे बहुत सुविधा हो गई है। अब हमें बहुत सुविधा हो गई है कि एक ही जगह पे हमारा सब कुछ काम हो जा रहा है। चमोली के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि 75 प्रकार की सेवाएं लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से दी जा रही हैं। वहीं जन सुविधा केंद्रों के संचालकों का कहना है कि जहां एक ओर डिजिटल इंडिया के कारण लोगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, लोग इनका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के रास्ते भी खुले हैं। चमोली में हम 75 सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग 9 डिपार्टमेंट की, और इनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया हमारा, फिशरीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और सोशल वेलफेयर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर वाला हो गया। तो इन सब में जो हमारे सेवाएं हैं वो 75 सेवाएं हम कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से दूरस्थ गांव, जो हमारे रिमोट एरिया है, वहां तक दे रहे हैं। हम सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, और ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने से हमें और आम जन लोगों
को काफी सुविधाएं मिली हैं, जिससे पहले क्या होता था ऑफिसों में हमें जगह जगह चक्कर काटने पड़ते थे, कभी कोई अधिकारी नहीं है, कभी कोई कर्मचारी नहीं है, जिससे अब ये हो गया कि सब ऑनलाइन होने के कारण सब हमें एक जगह पे मिल जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी सुविधाएं हो रही है और इसमें इससे हमें रोजगार को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिली है। काफी लोगों ने अपने सीएससी सेंटर खोले हैं। पूरे भारत में मुझे जहां तक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसका फायदा हुआ है। फायदा हुआ है कि जो लोग घंटों तक लाइनों में लगा करते थे अपने कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए या बैंकिंग के लिए, या बिजली का बिल जमा हो गया, पानी का बिल जमा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आधार कार्ड के आने से, साथ ही साथ यूपीआई के शुरू होने से, साथ ही साथ ये जितनी भी डिजिटल प्रणाली है उसके आने से आम जनमानस को बड़ी राहत मिली है। और इसके लिए डिजिटल इंडिया प्लान को भाई सभी लोग खूब सराह रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।